नमस्कार, आप जो रहा छो न्यूज 18 गुजराती, आपनी साथे हूं पृथा। अगर जो समाचार सुपर फास्ट। पेपर लीक केस आरोपियों रिमांड पर कोर्टे 15 आरोपियों 10 फेब्रुआरी सुधीना रिमांड कराया मंजूर। पुलिस 14 दिवस मांग्या था रिमांड। आशाराम पर दुष्कर्म केस में आज चुकादो आवानी शक्यता। कोर्ट में बन्ने पक्ष की दलीलों पूर्ण। कुल 55 जेटला साक्षीओं ने चकासवामां आव्या। बचाव पक्षे पण केटलाक साक्षीओ ने चकास्या हता। तमाम साक्षीओना निवेदन में विरोधाभास जोवा मळ्यो। वर्ष 2013 में सूरतनी बे बहेनोए दुष्कर्मनी नोंधावी हती फरियाद। बनासकांठामां लग्ननी लालच आपी काका भत्रीजीने बगाड़ी गयानो आरोप छे। 22 फेब्रुआरी हता भत्रीजीना लग्न। लग्न पहला काका भत्रीजीने पकाड़ी जता चकचार मच्यो हतो। युवतीना माता पिताए नोंधावी फरियाद। लायसेंस वगरना कतलखाना बंद करवा आदेश। एएमसी की कार्यवाही सामे हाईकोर्ट ने टकोर। हजू पण केटलीक दुकाने चालू होवाथी आवे छे फरियाद। कतलखाना मुद्दे कोर्टे सूरत कोर्पोरेशन नो लीधो उधड़ो। 700 वधारे दुकानोमांथी 297 पासे लायसेंस नथी। कोर्टे कार्यवाही थी असंतोष व्यक्त कर्यो। सरकार ने विस्तृत जवाब रजू करवा आदेश। धारासभ्य हार्दिक पटेले जामनगर कोर्ट में आपी हाजरी। पाटीदार अनामत आंदोलन समय थे केस के लिए हाजरी आपी थी। एडिशनल चीफ जस्टिस कोर्ट में हाजरी। वडोदरा में नवी शिक्षण नीति मुद्दे वालीओ में नाराजगी जोवा मळी हती। धोरण 1 में प्रवेश मुद्दे वालीओ ने कलेक्टर ने रजूआत। कहू के 3 लाख बाळको प्रवेश थी वंचित रहेशे। कोर्ट में क्रिकेट चालू रमते युवक नो मृत्यु। क्रिकेट रमता युवक ने हार्ट अटेक आव्यो हतो। रेसकोर्स में मित्रों साथे क्रिकेट रमतो हतो। राजकोट में फूटबॉल रमता रमता युवक नु मृत्यु थयु। हार्ट अटेक आता 21 वर्षीय युवक विवेक कुमार नु मृत्यु। मारवाड़ी कॉलेज में भणता ओडिशा युवक ना मृत्यु थी मित्रों में शोक। राजकोट में खाड़ा पास युवक ना मृत्यु अंगे आरएमसी कमिश्नरे तपास माटे कमिटी बनावी। पुलिस मनपा पास जवाब मांगता बनावाई कमिटी। रैया टेलिफोनिक एक्सचेंज पास खाड़ा ने लई तपास थशे। कांग्रेस पूर्व धारासभ्य कांतिभाई सोढ़ा भाजप में जोड़ाया। आणंदना पूर्व धारासभ्य प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल महामंत्री प्रदीप सिंह की हाजरी में केसरियो प्रसारण कर्यो हतो। कांतिभाई कांग्रेस तमाम मुद्दा पर आप्यो राजीनामो। 2017 में आणंद बैठक पर जीत्या हता विधानसभा की चूंटणी। 5 वर्ष धारासभ्य रह्या बाद राजीनामु आप्यो। केसरिया कर्या बाद कांग्रेस पर ताक्यो निशान। कहू के दिल्ली कांग्रेस में कोई नेता नहीं रह्या। वापी में पोक्सो आरोपी ने संभावाई फांसी की सजा। वापी ने स्पेशल कोर्टे आप चुकादो। 2020 में आरोपीए 9 वर्ष की बाड़की पर दुष्कर्म गुजारी हत्या करी थी। पंचमहाल गोधरा में वीज चोरी झड़पाई। एमजीवीसीएल 85 जेटली टीमों हाथ धरू थू मेगा ऑपरेशन। अंदाजित 85 लाख की वधुनी वीज चोरी सामे आवी। 200 वधारे पोलीस जवानों एसआरपी 25 जवानों चेकिंग हाथ धरू थू। 100 कनेक्शन में झड़पाई वीज चोरी। गोधरा पश्चिम और ग्राम्य विस्तार में झड़पाई वीज चोरी। राजकोट में अशांत धारा की अमलवारी छता वोट नंबर 2 में मकान वेचायु। बैंक की हराजी हेठ वितरमीए वगर मंजूरी घर खरीदू थू। रहवासी पश्चिम विस्तार धारासभ्य करी कलेक्टर ने रजूआत। आज महात्मा गांधीजी की 75मी पुण्यतिथि। साबरमती आश्रम में पोस्ट विभाग द्वारा 140 देश स्टेम्प प्रदर्शन करायु। कार्यक्रम में पीएमजी नीरज कुमार महात्मा गांधी पौत्री रहा उपस्थित। देश में पहली बार दवा बजार वेपारी रस्ता पर उतरशे। 15 फेब्रुआरी देशव्यापी आंदोलन की जाहरात। ऑनलाइन दवा वेचाण ने लई करशे आंदोलन। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा आंदोलन की जाहरात। गुजरात केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने आप्यो टेको। राज्य सरकार करशे महत्वनी जाहरात। अमदावाद गांधीनगर विकास में आवशे बदलाव। ओडा कूटा जीएमसी एएमसी ने भेगा करी सिंगल ऑथोरिटी बनावाशे। नर्मदाना खामर चोकड़ी पास गोडाउन में थे चोरी नो मामलो। पुलिस 4 आरोपियों ने झड़पी पाड़ा। गोडाउन शटर तोड़ी करी हती चोरी। चार आरोपी पास थी 11 लाख की वधुनो मुद्दा माल जप्त। राजकोट की स्वस्तिक सोसायटी में अशांत धारो लागू होवा छता मकान वेचायु। मंजूरी विना वितरमी द्वारा खरीदायु मकान। धारासभ्य दर्शिता शाहे कलेक्टर ने रजूआत करी। कलेक्टरे योग्य तपास की खातरी आपी।
जूनागढ़ में झांझरडा रोड पर पानी की मुख्य पाइपलाइन तूटता ज पानी बगाड़। मुख्य पाइपलाइन तूटता हजारों लीटर पानी बगाड़। गेस पाइपलाइन कामकाज दरमियान बनाव बन्यो। जुनियर क्लार्क परीक्षा पेपर लीक केस में तपास। पेपर फोड़नार आरोपी जीत नायक ने हैदराबाद की धरपकड़। पहली सवारे जीत नायक ने गुजरात एटीएस लवायो। लेबर जीत नायके केएल हाईटेक प्रिंटिंग प्रेस में पेपर लीक कर्यू हतु। जीत नायके पेपर लीक करी प्रदीप नायक ने आप्यू हतु। प्रदीप नायके बिहार ना मुरारी पासवान ने आप्यू हतु। अने जे मिंटू राय गुजरात नी पेपर फूड टोलकी साथे संपर्क में हतो। जुनियर क्लार्क में पेपर कार्ड ना मुख्य सूत्रधार भास्कर ज्योति साथ देखाया केतन बारोट। बने नी एक तस्वीर सामे आवी हती। बायड नो मोटो वहीवटदार श्री केतन बारोट। जुनियर क्लार्क परीक्षा पेपर लीक केस ना आरोपी केतन बारोटना घरे पहुंच्यू न्यूज 18। परिवारजनों कई पण नहोता जाणता तेनु रटण कर्युं। पेपर लीक मुद्दे वडोदराना कोचिंग सेंटरना डायरेक्टर भास्कर चौधरी सहित बेनी अटकात। मूल बिहारना वतनी छे बन्ने डायरेक्टर। पेपर लीक केस में बन्नेनी संडोवणी। वडोदराना कोचिंग सेंटर में योजाय छे केन्द्र अने राज्य सरकार आयोजित विविध स्पर्धात्मक परीक्षा। वडोदरा में परीक्षा केन्द्र पास एटीएस दरोड़ा। रश्यू सीसीटीवी में के पेपर लीक केस नो आरोपी केतन बारोट अगाउ पण खाई चुक्यो छे तिहार जेल नी हवा। दिशा एज्युकेशन कंसल्टन्सी में 9 वर्षथी एडमिशन ना नामे करे छे गोरखधंधो। जुनियर क्लार्क नी परीक्षाना पेपर लीक केस में वधु एक आरोपी ने संडोवणी। साबरकांठाना हार्दिक शर्मा ने संडोवणी। हार्दिक शर्मा साबरकांठाना प्रांतिजना वदराड़ गामनो वतनी छे। छेल्ला 2 दिवसथी हार्दिकना घरे खंपाती ताळू। जुनियर क्लार्क नो पेपर फूटवानो मामलो। विधानसभा में मुद्दों उठावा मामले धारासभ्य दर्शिता शाह नु निवेदन। कहू कि सरकार गंभीरताथी करी रही छे कार्यवाही। पेपर फूटवा मामले कड़क कायदो लवाशे। आरोपी सामे थशे कड़क कार्यवाही। जुनियर क्लार्क पेपर लीक मुद्दे आज वहेली सवारथी जु गांधीनगरना सत्याग्रह छावणी में पोलिस नो चांपतो बंदोबस्त गोठवायो हतो। विद्यार्थी संगठन अने विद्यार्थीओनी चिमकी ने ध्यान में लई बंदोबस्त गोठवामां आव्यो। पेपर लीक मामले पाटण में एनएसयूआई और एबीवीपी आवेदनपत्र। बने संगठन कार्यकर्ताओं कलेक्टर ने आवेदनपत्र आप। कार्यकर्ताओं 20 दिवस में परीक्षा लेवानी करी मांग। जुनियर क्लार्क की परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा रद्द थता एनएसयूआई विरोध। पोस्टर बतावे सूत्रोच्चार कर आ केस में दोषितों सामे पगला लेवा मांग करी। जुनियर क्लार्क की परीक्षा पेपर फूटा बाद परीक्षा मौकूफ जाहिर करता विद्यार्थियों में रोष। एबीवीपीए कलेक्टर ना बंगला आग देखाओ करी रामधुन बोलावी हती। एबीवीपीए कलेक्टर ने आवेदन पत्र आप्यो। अमरेली में एबीवीपीए अधिक कलेक्टर ने पेपर लीक मुद्दे आप्यो आवेदन पत्र। 24 कलाक में परीक्षा की नवी तारीख जाहिर करवामां आवे। 20 दिवस की अंदर परीक्षाओं लेवामां आवे तेवी मांग करवामां आवी। आरोपी ने सजा नी कराई मांग। पेपर लीक मामले जूनागढ़ में कलेक्टर ने आप्यू आवेदन पत्र। एनएसयूआई पूर्व धारासभ्य भीखाभाई जोशी साथे कलेक्टर कचेरी आवेदन आप्यू हतु। समग्र केस ने तपास माटे एसआईटी रचवानी मांग कराई। पेपर लीक मामले अमदावाद में सतत बीजा दिवस विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं कलेक्टर कचेरी खाते पहुंची पोस्टर साथ देखाव कर्या हता। आ साथे ज आ मुद्दे कड़क कायदो बनावानी मांग कराई। जुनियर क्लार्क नो पेपर फूटवानो मामलो। धारासभ्य दर्शिता शाहे कह्यु कि सरकार गंभीरताथी करी रही छे कार्यवाही। पेपर फूटवा मामले कड़क कायदो लावामां आवशे। आरोपीओ सामे कड़क कार्यवाही कराशे। सूरत पेपर लीक मामले सीवाय एसएस अने एनएसयूआई कलेक्टर ने आपशे आवेदनपत्र। कलेक्टर कचेरी बहार पोलिस नो चुस्त बंदोबस्त गोठवायो हतो। आरोपी सामे कड़क कार्यवाही करवानी मांग कराई। जुनियर क्लार्क नी परीक्षा रद्द मामलो। युद्ध कांग्रेस नो देखाव जोवा मळ्यो हतो। अमदावाद मणिनगर रेलवे क्रॉसिंग पासे देखाव। 30 दिवस में फरी परीक्षा लेवा मांग कराई। खेडूतो माटे राहतना समाचार। हवामान विभागे वरसाद ने लेकर आगाही। 5 दिवस सुधी मावठानी शक्यता नहीवत। 5 दिवस वातावरण सुकू रहेवानी संभावना। राज्यमां भरशियाळे कमोसमी वरसादथी रवि पाकने नुकसान। ड्राइडो जीरू घऊं अने बटाकाना पाकमां नुकसानीनी चिंता। मावठा बाद हवे राज्यमां फरी वर्षे ठंडीनो चमकारो। लघुत्तम तापमानमां थई शके छे 3-5 डिग्री सुधीनो घटाडो। राज्यना घणा भागोमां मावठा जेवी स्थिति। अमदावादमां वहेली सवारे गाढ़ धुम्मसनो केर। ઝીરો વિઝિબિલિટીને કારણે વાહન ચાલકો અટવાયા હતા। વાતાવરણ પલટાથી ખેડૂતો ચિંતિત।
રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં સવારે ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું. ગાઢ ધુમ્મસને કારણે વિઝિબિલિટી શૂન્ય થઈ. એક્સપ્રેસ હાઈવે પર વાહન સાવધાનીપૂર્વક ચલાવવા અપીલ કરાઈ. અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં વહેલી સવારે ગાઢ ધુમ્મસનું વાતાવરણ. ગાઢ ધુમ્મસને કારણે ધૂંધળું વાતાવરણ થયું હતું. ગોતા બ્રિજ પાસે વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકી. અમદાવાદમાં વહેલી પરોઢે એસજી હાઈવે વિસ્તારમાં ઝીરો વિઝિબિલિટી જોવા મળી હતી. વિઝિબિલિટી ઓછી થતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. હાઈવે પર સ્ટ્રીટલાઇટ ચાલુ ન હોવાથી અંધાર પર જેવો માહોલ. રાજકોટ શહેરના સિમ વિસ્તારમાં અતિગાઢ ધુમ્મસ છવાયું હતું. પેડી વિસ્તારમાં ધુમ્મસની ચાદર છવાઈ. ખેડૂતો ખેતરના પાકને લઈને ચિંતિત. વધુ ધુમ્મસથી જીરુના પાકને થઈ શકે છે નુકસાન. મહેસાણા જિલ્લામાં સવારથી ધુમ્મસનો કહેર વર્તાયો. ગાઢ ધુમ્મસને કારણે વિઝિબિલિટી ઘટતા હાઈવે પર વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. વાતાવરણમાં પલટો આવતા ખેડૂતોને પાક નુકસાનીની ભીતિ. બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારમાં ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું. થરાદ, વાવ, શ્રીકામ, તાનેરા સહિતના પંથકમાં વિઝિબિલિટી ઘટી હતી. વાહન ચાલકોને હાલાકી. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ બનાસકાંઠામાં સતત ચોથા દિવસે કમોસમી વરસાદ. માવઠાને કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતા. ઘઉં, બટાકા સહિતના પાકોને નુકસાનીની ભીતિ. દાહોદમાં ભર શિયાળે કમોસમી વરસાદથી દાહોદના ખેડૂતો ચિંતામાં. ઘઉં, ચણા સહિતના પાકને મોટા નુકસાનીની ભીતિ છે. મોંઘા ભાવના બિયારણો અને દવાનો ખર્ચ પાણીમાં. પંચમહાલ જિલ્લાના વાતાવરણમાં સતત ત્રીજા દિવસે પલટો જોવા મળ્યો હતો. કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદી છાંટા પડતા ખેડૂતો ચિંતિત થયા હતા. વાતાવરણમાં ઠંડકને પગલે ઠંડીમાં થયો વધારો. દાહોદ જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટા સાથે વરસાદ જોવા મળ્યો હતો. ફતેપુરામાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો. વરસાદથી ખેડૂતોમાં વ્યાપી ચિંતા. દાહોદ જિલ્લામાં રાત્રિ દરમિયાન વરસાદ પડ્યો હતો. આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટું પડ્યું હતું. કમોસમી વરસાદ થતાં ઠંડીમાં થયો વધારો. ખેડૂતો પાકને લઈ ચિંતિત. ભર શિયાળે મહેસાણામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ જોવા મળ્યો હતો. ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ. ખેડૂતો સરકાર પાસે રાખી રહ્યા છે વળતરની અપેક્ષા. કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોના પાકને નુકસાન. કાંકરેજના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અમૃત ઠાકોરે સીએમને પત્ર લખ્યો હતો. સરકાર નુકસાનીનો સર્વે કરી તાત્કાલિક આર્થિક સહાય આપે તેવી માંગ. કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરનું નિવેદન. ભારત જોડો યાત્રામાં જે રાજ્યમાં નથી પહોંચી ત્યાં હવે હાથસે હાથ જોડો યાત્રા પહોંચશે. 1-10 ફેબ્રુઆરી સુધી ગુજરાતમાં યોજાશે કાર્યક્રમ. અમદાવાદમાં નોકરી કરવા કરતા શહેરીજનો માટે રાહતના સમાચાર. આજથી મેટ્રો સવારના 7 વાગ્યાથી રાતના 10 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. પહેલા સવારે 9 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધીનો હતો સમય.